हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। तो यार, कल आपका M2 का बैकलॉग का एग्जामिनेशन है। बैकलॉग का मतलब आपने एक बार एग्जामिनेशन दे दिया है, लेकिन दोस्तों इस बार हमें बैक क्लियर करना है। तो यार, बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा खासा सिलेबस कम्प्लीट कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए होंगे, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए होंगे, किसी किसी ने पूरा सिलेबस कम्प्लीट कर लिया होगा, कुछ स्टूडेंट ने 2 या फिर 3 यूनिट की होगी टोटल। तो दोस्तों, जितना कर लिया बहुत कर लिया, जितना आपने कर लिया है उसी से आप आराम से बैकलॉग क्लियर कर लेंगे। क्योंकि यार, अगर आपने कितना भी क्यों ना पढ़ लिया हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ, लेकिन अगर आप आंसर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कॉपी में, तो भाई आपका इतना सारा पढ़ा हुआ सब कुछ व्यर्थ है। दोस्तों, ये तो बात हो गई आपके सिलेबस की, आपने कितना पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से। लेकिन अब अगर बात करें कि भाई आपको आंसर को एक्सप्रेस कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि भाई बहुत कम सिलेबस करके भी आप आराम से पास हो सकते हैं, एटलीस्ट डी या फिर सी प्लस तक ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के आगे के 1-2 मिनट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार, आपको बैकलॉग आई थी मैथमेटिक्स 2 में, किस कारण से आई थी आपको खुद ही पता होगा। दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। कोई बोलेगा पेपर टफ आया था, कोई बोलेगा मैं अच्छे से लिख कर नहीं आया था, इतने पेजेस लिख कर आया था। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपके रीजन हो सकते हैं, लेकिन रीजन आपको स्वयं को पता है क्या रीजन है जिसके कारण आपको बैकलॉग आई थी। अब दोस्तों, जब तक आप समस्या नहीं ढूंढेंगे तो उसका आप हल कैसे करेंगे, इसलिए दोस्तों पहले समस्या ढूंढिए, उसका हल कीजिए। कहने का मतलब, आपने जो गलती पिछली बार की, आप उस गलती को इस बार ना दोहराएं, इसलिए उस गलती को पहले ही ढूंढ लो और उसको अवॉइड करके बैकलॉग क्लियर कर लो। क्योंकि यार, आपने जो इस बार क्वेश्चंस तैयार किए हैं, टॉपिक्स मेथड्स तैयार की हैं, उससे ज़्यादा आपने पिछली बार की थी, मिड वगैरह भी दिए थे, क्लासेस भी अटेंड की थी मैथमेटिक्स 2 की, लेकिन फिर भी बैक आया। ये बैक क्यों आया इस बार हम क्लियर कर लेंगे, ये बात तो अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन ढूंढिए कि बैक का रीजन क्या था, मैंने क्या मिस्टेक की थी कॉपी में। अब दोस्तों, कुछ लोगों का कहना ये होगा कि मैथमेटिक्स 2 का पिछली बार पेपर टफ आया था, इस बार कैसा आएगा, ये उनका क्वेश्चन होगा। तो यार, इस बार पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आने वाला है, बैकलॉग का पेपर इजी आता है कंपेयर टू करंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, इसलिए कल का M2 का बैक पेपर भी इजी आएगा। तो दोस्तों, आई होप आपका यहाँ पर एक डाउट तो खत्म हुआ होगा कि कल का एग्जामिनेशन पेपर इजी आएगा। अब अगर बात करें दोस्तों सेकेंड रीजन की, जिसके कारण आपके लिए मैथमेटिक्स 2 में बैक आया था, तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने जाने अनजाने में इस मिस्टेक को किया होगा कि यार, आपने कॉपी में अच्छे से नहीं लिखा है, जिसके कारण बैक आई है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैंने तो अच्छे से लिखा था, पासिंग मार्क्स के साथ साथ बहुत ही अच्छा पेपर किया था, बैक आने के कोई चांस नहीं थे, लेकिन फिर भी बैक दे दिया। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने भी यह गलती की होगी, लेकिन इस बार हमें ये मिस्टेक नहीं करना है और बैकलॉग क्लियर करना है। तो यार, मैं आपको RGPP की मैथ क्लियर करने के लिए कुछ आइडिया दे दे रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है, जिससे कि भाई आपको बैकलॉग ना आए। तो यार, आप इसके लिए प्रोटेप बोल सकते हैं, जो कि बैकलॉग क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आप सभी को पूरे 3 घंटे का ओवरव्यू बताते हैं कि आपको कैसा क्या करना है। तो दोस्तों, पेपर स्टार्ट होने के 15-20 मिनट पहले आप एज्यूम कीजिए कि भाई आपने सब कुछ पढ़ लिया है, इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट। 15-20 मिनट तक आपको किसी से बातचीत नहीं करना है, दोस्त वगैरह से, कि तुमने ये टॉपिक किया या फिर नहीं किया है। बिल्कुल फ्री हो जाना है, 100% कॉन्फिडेंट हो जाना है। कॉन्फिडेंस ना आए तो मोटिवेशन वीडियो सुन सकते हैं, 2-3 मिनट की, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई अब तो एग्जामिनेशन में फोड़ देंगे। दोस्तों, एग्जाम हॉल में जाने के पहले अपने पास चेक कर ले, कोई चिट्ठी वगैरह तो नहीं है, नहीं तो फिर UFM का डर रहता है। एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद डेस्क के आसपास चिट्ठी वगैरह देख ले कि चिट्ठी वगैरह तो नहीं पड़ी है। इसके बाद अपना OMR सीट फिल करिए। दोस्तों, OMR सीट को अच्छे से फिल करना, जिससे कि रिजल्ट ना अटके, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड वगैरह, डेट वगैरह सब कुछ अच्छे से फिल करना। तो दोस्तों, अब मिलता है आपके लिए पेपर। पेपर पर एनरोलमेंट नंबर लिखो, भगवान को याद करो। इसके बाद सबसे पहले आपके लिए पेपर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रीड करना है। पहले क्वेश्चन से लेकर 8वें क्वेश्चन तक AVAV करके टोटल 16 क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके उसमें से आपको ये देखना है कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं जो कि मुझसे करेक्टली बन रहे हैं। अब मेरे सब्सक्राइबर तो भाई 16 में से मिनिमम मेरे हिसाब से 3-4 क्वेश्चन आपसे करेक्टली बन जाएंगे। अब दोस्तों, बिल्कुल रेयर कंडीशन ले लें कि भाई 16 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मिनिमम बन रहे हैं, भाई आपसे 16 में से 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि बनेंगे, तो उन 2 को सबसे पहले आप कर दो। जितना हो सके उतना अच्छे से लिखिएगा। और दोस्तों, याद रखिएगा कि स्टार्टिंग के 6 से 7 पेजेस तक छोटे से छोटे कट का भी यूज नहीं करना है। थोड़ा बहुत टाइम लग जाए तो लगा देना, लेकिन कट का विशेष रूप से ध्यान रखना,
यहाँ पर आपके 16 में से 2 क्वेश्चन हो गए, अब आपको 8 क्वेश्चंस और करने हैं। तो दोस्तों अब हम करते हैं वो क्वेश्चंस जो कि हमें करेक्टली नहीं पता है, लेकिन उसका कुछ हमें बेसिक आइडिया पता है, फॉर्मूला पता है, स्टेप्स वगैरह पता है। तो दोस्तों अब उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों एज अ एग्जांपल इस टाइप के क्वेश्चन में जो कि आपको करेक्टली नहीं मालूम है, 4 से 5 या फिर 6-7 स्टेप्स इंक्लूड हैं जो कि आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का है, लेकिन करेक्टली आपको आंसर नहीं पता है। तो दोस्तों जितने भी स्टेप्स पॉसिबल हो पा रहे हैं, 3 स्टेप 4 स्टेप फॉर्मूला तक तो अप्लाई आपसे हो ही जाएगा, आप फॉर्मूला तक करेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपसे जैसा बनता है उल्टा सीधा, मतलब कि गलत या फिर सही, आप वैसा करते जाइए। मतलब कहने का जैसा आप थ्योरी में करते हैं ठीक वैसा ही आपको यहाँ करना है। आपको पता है उसका बेसिक आइडिया है तो आप उसको सॉल्व कर दीजिए, लेकिन दोस्तों याद रहे कट बिल्कुल भी मत लगाइएगा। अगर आप कट करते हैं तो एग्जामिनर की नज़र वहीं पड़ेगी, और दोस्तों आपको पता रहता है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत है इसका आंसर। तो दोस्तों उन आंसर्स को आप बॉक्स में फिट मत करिएगा, डायरेक्ट छोटे वर्ड में आंसर लिखकर आ जाइएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि भाई एग्जामिनर की नज़र नहीं पड़ेगी, फिलो में कॉपी चेक हो जाएगी। 20-22 पेजेस तक अगर आपकी कॉपी चेक हो जाती है अच्छे से तो आप पासिंग मार्क्स अचीव कर चुके होगी। दोस्तों ये बात गलत है, लेकिन हम क्या सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करके आएँ जिससे कि हम फेल ही हो जाएं। हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम पास हो जाएं, और हमें पास होना ही है। इसलिए दोस्तों जैसा आप थ्योरी एग्जामिनेशन में करते हैं, जितने क्वेश्चंस आपसे पहले बन रहे हैं वो पहले कर दो, जो नहीं बन रहे हैं बेसिक आइडिया है उनको धीरे धीरे सॉल्व कर दो। ठीक ऐसा ही आपका मैथमेटिक्स में है जो कि RGPV यूनिवर्सिटी के लिए है, कहीं आपसे जो बन रहा है पहले आप उसको सॉल्व कर दो, जो नहीं बन रहा है बेसिक आइडिया है, लेकिन फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए या फिर स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप्स करेक्ट होना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई स्टार्टिंग में सही किया है, 7-8 पेज अच्छे से लिख दिए हैं, उसके बाद आपने जो भी किया है बिना कटिंग वगैरह के किया है तो भाई फिलो में कॉपी चेक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो यार अगर आप इन चीज़ को फॉलो करते हैं तो भाई पासिंग के साथ साथ अच्छा ग्रेड भी हासिल कर लेंगे। आप ही में से बहुत सारे जन ऐसे होंगे जो कि भाई वी या फिर C+ के समथिंग ला रहे होंगे। तो दोस्तों अच्छे से कल एग्जाम देने जाएं 100% कॉन्फिडेंट होके। दोस्तों ये चीज़ ट्रू है, बहुत सारे जन इसी को फॉलो करते हैं और CGPA SGPA के साथ साथ सेमेस्टर वाइज आगे बढ़ते जाते हैं, बैकलॉग कभी नहीं आता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम देने के बाद ये बिल्कुल भी ना सोचें ऐसा पेपर गया कैसा पेपर गया, लेकिन आपको रिजल्ट में अच्छा फील होने वाला है, आप आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।